ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर? अभी हमने किया है कि मेटल का रिएक्शन एयर के साथ, ठीक है, बर्नड इन एयर, ऑक्सीजन के साथ, अब वाटर के साथ करेंगे. कॉशियस. दिस एक्टिविटी नीड टू बी डन अंडर टीचर्स असिस्टेंस. कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ सेम मेटल्स इन एक्टिविटी 3.9. हाँ, सेम मेटल 3.9 में जो जो सैंपल लिए थे ना, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के, वही लेने, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर. Put small pieces of these samples separately in beakers half filled with cold water. हाँ, small pieces लेने हैं ये metal के, ठीक है, और half filled with the cold water, ठंडे पानी, beaker में ठंडा पानी लेके उसमें small pieces लेने हैं, और ये सारे pieces इकट्ठे नहीं डालने, अलग अलग metal का reaction करवा के देखना, ठीक है, अलग अलग beaker में अलग अलग metal के small pieces डालने ठंडे पानी के साथ. Which metal reacted with cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with their cold water. Did any metal produce fire or on water? हाँ, does तो वो कह रहे हैं कि आप देखो कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट कर रहा है, कौन सा मेटल रिएक्ट करता है, और उसको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. कि वो कुछ मेटल होते हैं वो फास्ट रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका देखना, ठीक है. नेक्स्ट इज, डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ, देखो पानी के साथ मिक्स करके कोई मेटल फायर प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी चेक करना है. डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? हाँ, कुछ मेटल ये चेक करो कि पानी में अगर डूबे हुए हैं तो वो फ्लोट करते हैं, ऊपर आते हैं. पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर. अब जो कोल्ड वाटर के साथ जो मेटल रिएक्ट नहीं किए, तो उनको अब हॉट वाटर में, बीकर में हॉट वाटर लेके उनमें मेटल डालने हैं. फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, अरेंज द ऑपरेटर्स एज शोन इन फिगर 3.3 एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन विद देम. हाँ, अब अगर हॉट वाटर से भी जो रिएक्ट नहीं कर रहे, उनको स्टीम्स के साथ रिएक्ट करके देखो, ठीक है. विच मेटल डिड नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम? हाँ, ये भी नोट करो कि कौन सा मेटल स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा. अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर. फिर कहते डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ भी जो रिएक्टिव नहीं कर रहे, तो उनको उस ऑर्डर में भी हमने लिखने उनके नेम, ठीक है.